हेलो डी, कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये प्लान के बारे में मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। यहाँ पे हमारा है क्रॉस सेक्शन, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिख रहा है सेक्शन एलिवेशन। ठीक है, सेक्शन एलिवेशन अगर मैं बात करता हूँ क्रॉस सेक्शन की, तो यहाँ पे देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन काट के रखा है ये एक्स वाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई ये देखिए सेंटर से काट के रखा है एक्स वाई क्रॉस सेक्शन। ओके, एक्स वाई क्रॉस सेक्शन इधर से काट के रखा है, ये है वाई और ये है एक्स, ये है वाई और ये है एक्स। तो इसको सेंटर से काट के रखा है, ब्रिज के उस बॉक्स को सेंटर से काट के रखा है, तो उसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, जब क्रॉस सेक्शन होता है तो उसमें पूरा नीचे से ऊपर तक पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन और है उसके उसके बारे में। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन भी पूरा डिटेल देगा, बट आपको एक टिपिकल टाइप का देगा। इसमें इस ब्रिज में जो है वो सब दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे नीचे में क्या क्या शो कर रहा है, ये लाइन से ये लाइन आउटर तक यहाँ पे 21 मीटर 400 शो कर रहा है, यहाँ पे 31 मीटर शो कर रहा है, यहां से यहाँ 31 मीटर ओवरऑल शो कर रहा है। ठीक है, और ये पार्ट बाई पार्ट यहाँ से ये वाला से सेंटर लाइन 2 तक 9 मीटर 600 शो कर रहा है। तो ये हमारा डायमेंशन है। ठीक है, अभी इसमें क्रॉस सेक्शन देखते हैं तभी हमको पता चल जाता है कि हमको ब्रिज में करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बैरल लेंथ हो जाएगा एक तरह से, इसको बैरल लेंथ बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, बैरल लेंथ मेरा 31 मीटर हो गया। ठीक है, अभी यहां पे देखिए 20 mm का जो गैप था ये यहां पे शो कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें देखिए क्या लिख रहा है, सैंड फिलिंग। यहां पे देखिए सैंड फिलिंग लिख रहा है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा थोड़ा आपको दिखेगा। यहां पे देखिए सैंड फिलिंग लिख रहा है, सैंड फिलिंग कितना लिख रहा है, 650 mm। ओके, 650 mm का सैंड फिलिंग लिख रहा है और 550 का यहाँ पे राफ्ट है। ठीक है, और यहाँ पे 150 mm थिकनेस का वेयरिंग कोट है। ठीक है, रेलवे ब्रिज में हाईवे में हम लोग का क्या होता है, हाईवे में टॉप में वेयरिंग कोट होता है और रेलवे बॉक्स कलवर्ट में यहाँ पे स्लैब में इनवर्ट लेवल पे वेयरिंग कोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेयरिंग कोट हो गया और वेयरिंग कोट का टॉप को हम लोग बेड लेवल बोलते हैं। यहाँ पे आरएल भी उसका मेंशन किया गया है। ओके, और इसी के टॉप से ही हमारा क्लियर हाइट, यहीं से ही क्लियर हाइट इसको बोलते हैं कि क्लियर हाइट मेरा कितना है। ओके, तो यहां से ही आपको क्लियर हाइट शो करा रहा है, इतना क्लियर होता है। सैंड फिलिंग जो हम लोग करते हैं, सैंड फिलिंग कैसे करते हैं, मान के चले कि यहां से ये मेरा 31 मीटर है। अगर मैं सपोज डेट यहां से मैं बात करता हूं, ब्रिज जो हमारा बन रहा है बॉक्स कलवर्ट, ये 31 मीटर है, तो इसका जो सैंड हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखिए क्रॉस सेक्शन इस तरह से बन रहा है इसका, तो हम लोग को सैंड भी इसी तरह से भरना होगा। ओके, तो अभी मेरा यहां से यहां तक 31 मीटर है। ठीक है, जब ये 31 मीटर है तो जब इसका मैं ये वाला जो पोर्शन है, यहां पे देखिए 650 का सैंड फिलिंग है, तो यहां भी 650 हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पे 650 हो जाएगा और ये भी हमारा 650 हो जाएगा। ठीक है, ये 1:1 में है, यहाँ पे स्लोप भी मेंशन कर देगा। अगर ये 2:1 स्लोप मेंशन करेगा तो यहाँ 650 का यहाँ पे डबल हो जाएगा। अगर 1:1 रहेगा तो ये जितना 650 रहेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 650 650 रहेगा। ओके, तो जो भी आएगा यहाँ पे, अगर उसने ड्रॉइंग में मेंशन किया है कि ये जो स्लोप है ये 2:1 होगा, तो यहाँ पे 650 × 2 कर लेंगे, 650 × 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1300। ठीक है, जनरली रेलवे में हमेशा 2:1 से ही होता है, तो यहाँ पे हमने 1300 ले लिया। देन यहाँ के बाद क्या बोल रहा है, जब इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ आपको बोल रहा है ये 100 mm जैसा होगा, तो प्लस में यहाँ पे मैं 100 mm कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे बट शो नहीं कर रहे, यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ, 150 कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि जो पीसीसी का जो थिकनेस है 150 है। ओके,
तो मैंने यहाँ पे 150 कंसिडर कर लिया, तो यहां से जो ये डिस्टेंस है अभी ये 1300 प्लस 150 कितना हो गया 1450, तो ये जो पोर्शन हो गया मेरा 1450 हो गया, और सेम इस तरह से मिरर है तो ये भी 1450 हो गया। ओके, तो 1450 मल्टीप्लाई बाय टू, एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ड्राइंग में जो है उस तरह से ही करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1:1 रहेगा तो आपको इस तरह से करना है, 2:1 रहेगा तो आपको इस तरह से करना है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे ड्राइंग में जो भी हो, कहीं भी आप काम कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। ओके, तो कॉन्सेप्ट मैं बस क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये ड्राइंग, ऐसा नहीं है कि आपको साइड पे ये ड्राइंग मिलने वाला है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1450 यहाँ 1450 इंटू 2 कर देता हूँ तो ये 2 मीटर 900 हो गया। तो अगर ये टोटल मेरा 31 मीटर है तो यहाँ पे 2 मीटर 900 मैं माइनस करता हूँ, माइनस 31 मीटर माइनस कर देता हूँ 28 मीटर 100। ओके, तो 28 मीटर 100 यहाँ पे टॉप में बन जाएगा ये। तो जब आप पीसीसी करेंगे ना, तो आपको पीसीसी कैसे करना है कि सबसे पहले तो आपको ये आउटर पॉइंट मारने लेना है, मान के चले कि ये आपका प्लॉट एरिया हो गया, यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पीसीसी करना है, तो पीसीसी कैसे होता है, यहाँ पे इस तरह से होगा, ओके, इस तरह से पीसीसी होगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, सबसे पहले तो आपको सेंटर लाइन मार्क कर लेना होगा, यहाँ पे आप सेंटर लाइन मार्क कर लेंगे, यहाँ प्लस का निशान बना लेंगे और यहां से माप लेंगे, ये 28100 हो गया ना। अभी ये चीज देखिए, ये जो डिपेंड कर रहा है ट्रैक के पैरेलल कर रहा है, ये हमारा ट्रैक सेंटर लाइन ट्रैक है, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जब ट्रैक के परपेंडिकुलर है, जब ये मेरा 28 मीटर 100 आ जाएगा, तो 28 मीटर 100 डिवाइडेड बाई आप 2 कर सकते हैं, 1450 यहां से आ जाएगा और ये भी 1450 आ जाएगा। तो आपको इतना ही पीसीसी करना है टॉप में, देन आपको यहाँ पे स्लोप में पीसीसी करना होगा इतना, तो आपका जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स इस तरह से बन जाएगा, तो ये आपका ये टोटल 31 मीटर मिल जाएगा। ओके, तो ये फंडा है हमारा साइड पे पीसीसी करने का, ये आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कोई भी, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं फटक से रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारा तो सैंड फिलिंग का क्लियर हो गया, आपको सैंड फिलिंग इसी तरह से करना है, पीसीसी भी इसी तरह से करना है। 150 का हमको पीसीसी दे रखा है, ये राफ्ट की हाइट है 1.2। ओके, रेलवे में एक फंडा है, रेलवे में क्या एक फंडा है कि आपको 1.2 का फाउंडेशन मेंटेन करना है। ओके, अभी यहाँ पे 650 अगर लिख रहा है सैंड, तो आपको 550 दे दिया है राफ्ट। ठीक है, अगर मान के चले कि यहाँ पे अगर 600 सैंड दे देता तो 600 का राफ्ट देता, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसको दोनों जोड़ के 1200 आना चाहिए, RDSO ड्राइंग यही कहता है। ठीक है, दोनों को जोड़ के 1200 आना चाहिए, सैंड प्लस कंक्रीट 1200 आ जाएंगे आपका, वो हो गया। अगर ये 400 सैंड दिया हुआ है तो आपको 800 का राफ्ट ले लेगा। क्लियर हो गया आपका ये फंडा, क्लियर हो गया, राइट। ओके, देन ये देखिए, ये एक साइड में इस तरह से क्यों दिख रहा है और एक साइड में ऐसा नहीं दिख रहा है, अभी देखिए मैं आपको इस वाले प्लान में क्लियर करता हूँ। ये जो प्लान है क्रॉस सेक्शन ये वाला काट के रखा है, तो जब ये क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये वाला तो दिख नहीं रहा हमारा, हमको यही दिख रहा है फ्रंट यहाँ पे एंड, और यहां से देख रहे हैं तो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है पूरा टेढ़ा, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। ओके, तो यहां से ये हमारा रिटर्न हो गया, और एक चीज जो ये हमारा जो बेड लेवल है, बेड लेवल से इसका रिटर्न वाल का जो हाइट होता है 1 मीटर होता है। ठीक है, टॉप में यहाँ पे 250 है, इसका क्रॉस सेक्शन में इसको डिटेल में बात करूंगा, पहले बॉक्स का कलर, बॉक्स क्रॉस सेक्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हाइट आपको पता चल गया, यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है लाइन से लाइन का, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 3 12 मीटर है, लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 4 है 5 मीटर 475, और यहाँ से लाइन नंबर 4 से इस ब्रिज का एंड है 3 मीटर 925। ओके, 3 मीटर 925 ये आपको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर करूंगा कि 3 मीटर 925 टॉप फॉर्मेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। ओके, इसको फॉर्मेशन लेवल बोलते हैं, फॉर्मेशन लेवल ये हमारा सेंटर से 3 मीटर 925 क्या होता है,
ठीक है, ये क्लियर करेंगे बाद में। आपको यहाँ पे ये हमारा क्रॉस सेक्शन समझ में आया, क्रॉस सेक्शन किस तरह से बनेंगे, ये हमारा क्लियर हाइट मिल गया। क्रॉस सेक्शन में आपको मेन हाइट मिलता है, कोई भी स्ट्रक्चर का हाइट मिलता है कि हाइट कितना रखना चाहिए, ठीक है कितना है। लाइन नंबर टू हो गया, लाइन नंबर थ्री हो गया, इस वीडियो में हम लोग पूरा अचीव कर लिए हैं। अभी इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अपस्ट्रीम में यहाँ पे डाउनस्ट्रीम भी मेंशन कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट का, यहाँ पे इसके ये वाला बॉक्स कलवर्ट के बारे में, ओके, इसका क्रॉस सेक्शन आरसीसी का ये समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।